हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, वेलकम टू नी ब्लॉग। सुषमा ब्लॉग में स्वागत है। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुशहाल होंगे। दोस्तों चलिए हमारे वीडियो देखिए, बहुत मस्त और बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों जगह जगह घुमाते रहेंगे, आप लोग पक्का आइएगा घूमने के लिए। चलो अभी रखता हूँ, ओके बाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, वेलकम टू न्यू वीडियो विनेश डॉट सुषमा यूट्यूब चैनल में आपको सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए भाई, हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी ओर से। आप कैसे हैं ये बोलिए, आप बताइएगा जरूर कैसे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, विनेश डॉट यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपको, आप सभी को हमारी ओर से आपको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी बज चुकी है समय के 10 हो रहे हैं और आज दोस्तों मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज है ट्यूजडे और 16 जुलाई है और मैं ना 10 बजे से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और हमारी काम शाम हो गई है, काम कर ली है। और यहाँ पे अच्छा मुझे लगा कि चलो मैं ब्लॉग ही शूट कर लूँ। और इतना खूबसूरत बारिश हो रही है रांची में कि क्या ही बोले। तो भाई मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ब्लॉग कर लिया जाए। तो कैसा मतलब यहाँ का बारिश हो रही है वो दिखाने के लिए, भाई रांची में किस तरह से बारिश होती है वो, इसलिए मैं ना अपना ब्लॉग स्टार्ट किए हैं। तो भाई आपके यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा आप कमेंट करिएगा। चलिए अब बहुत अच्छा नज़ारा दिखाने वाले हैं और हमारे जो है ना मेन गेट है वहाँ पे क्या चीज आया है वो हम दिखाएंगे। और क्या है कि बारिश हो रही है, अभी 10 बज गया है और 10 बजे ना ये क्या है बकरियाँ, बैल और ये सब गाय बैल सब चरने आते हैं। तो हमारे जो गांव है उधर उस साइड में गांव है ऊपर में, तो उधर से आते हैं बकरियाँ चरने के लिए। तो आपको चलिए दिखाते हैं। और हमारे यहाँ लाइट कट गई है। देखिए अगर मैं अभी खोलती हूँ ना तो ये लोग भड़क जाएगा। ये देखिए मैं इधर से दिखा दे रही हूँ, पूरा यहाँ से यहाँ तक छिपा हुआ है। ये देखिए ये सो, और एकदम जोरों से बारिश हो रही है। देखिए या ऐ घुस जाएगी बकरिया, चल 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 उधर। ये देखिए बकरी एकदम छिपने लगे हैं, पूरा छिपने दीजिए, छिपने दीजिए, छिप रहे हैं तो जाएगा। हाँ। बारिश में बकरी लोग तो नहीं चरती है ना। हाँ, नहीं चरते, उधर बचेगा। छिपने दीजिए तो छिप रहा है तो उधर गया था। पूरा घमासान बारिश की तरह, ओ बारिश थम के बरस, बरस थम के बरस, बारिश थम के बरस, बरस बरस बरस। हाय दोस्तों, मुझे तो नहीं आता थम के बरस। आज मेरे महबूब आने वाला है, ओ ओ ओ थम के बरस। दोस्तों यही मुझे गाना आती है, मुझे तो गाना ही नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है। मैं कोशिश करती हूँ जो कि गाना गाऊँ लेकिन नहीं आता मुझे। और ऐसी हमारी लाइफ स्टाइल है भाई। अभी सब हमारे दोनों बाबू चला गया है, कोई कोचिंग गया है, बड़ा वाला बाबू कोचिंग गया है, छोटा वाला स्कूल गया है। मैं अकेले खाना वगैरह बना करके और सॉरी नाश्ता बना करके मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं आपको एक गाना सुना दिया जाए बारिश में, सड़ेला सा फटेला सा। आया है स्कूल से और बारिश हो रही थी, बारिश होने के बाद वो भीग गया उसका कपड़ा, इसलिए बोल रहा है दीदी ऐसे ही कपड़ा है तो भीग गया। तो भाई आज मतलब आजकल डेली की हो रही है, अपने काम धाम करके खाना वाना मतलब सो जाते हैं, एक दो घंटा सोना बहुत जरूरी है, दो घंटा सो लेते हैं तो अच्छा फ्रेश लगता है। तो वो सो करके उठने के बाद मैं 1 बजे लमसम 12:30 बजे उठे हुए थे, हमारे पति देव जी का कॉल आया था। कॉल आने के बाद 1 घंटा बात किए उनसे, बात करने के बाद में भाई ये देखिए खाना बना रहे हैं। आज हमारे खाना में क्या चीज़ है तो चावल हम बना लिए हैं, भात है और ये है पुलाव, सुबह जी की हम नाश्ता बनाए थे। ये देखिए
सामने से दिखा रही हूँ, प्लेन पुलाव है और ये दाल हमारा बन रहा है और ये है केला की भुंजिया। कमेंट आप लोग कीजिएगा केला की भुंजिया आप लोग खाए हैं कि नहीं खाए हैं कि सिर्फ केला की सब्जी ही खाए हैं। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ट्राई एक बारी कीजिएगा जरूर। और केला की भुंजिया, तो दोस्तों केला की भुंजिया किसको किसको पसंद लगता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको भी खिलाएंगे केला की भुंजिया, ठीक है। और हमारा केला की भुंजिया बन करके रेडी हो चुका है और मैं उतार करके रखती हूँ, ढक देंगे और सीटी हमारा लग रहा है दाल में, लगने के बाद में पक जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूंगी तड़का लगाऊंगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मिलते हैं दाल चावल खाने के बाद, आप लोग खाएं कि नहीं खाएं कमेंट जरूर कीजिएगा। केला की भुंजिया कैसी लगती है, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ठीक है। तो खाना हमारा बन गया है, रेडी हो चुका है खाना, अब निकालते हैं खाना, दाल चावल सब्जी। तो दोस्तों खाना हम निकाल लिए हैं, खाना बहुत इतने टेस्टी बना है कि क्या ही बोले। और भाई तुम सब से खाना निकाल कर खाइए देसी अंदाज में, बहुत मस्त है। गर्मा गर्म खाना खाने का ना जो मजा है तो क्या ही बोले, खाना खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। अब केला की सब्जी भुंजिया कौन कौन खाए हैं ये बताइएगा जरूर। रात के खाना हम बना लिए हैं और क्या चीज बनाए हैं ये देखिए, रोटी और तोरई की सब्जी, तोरई और चना की सब्जी। तो हम खा लेते हैं खाना, और क्योंकि भाई बहुत लेट हो जाती है और 8:20 हो रही है, तो हम खाना खा लेते हैं, टेस्ट करते हैं खाना कैसा खाना लग रहा है। चना या तोरई की सब्जी है और रोटी, बहुत अच्छा लगता है, किसको किसको पसंद है ये बोलिएगा जरूर। रात का खाना बनाए हैं, खाना खा ली हूँ, खाना खा करके आ गई हूँ ऊपर और थोड़ा सा यहाँ पे बैठ गए हैं ऊपर में। तो भाई अभी खाना वगैरह बहुत, रोटी और सब्जी बहुत टेस्टी थी कि क्या ही बोले, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग खाए कि नहीं खाए ये बताइएगा जरूर। हो गया यहाँ का, कुछ देर पहले आप लोग दिखा रहे थे पूरा धुंध धुंध था, ठीक है। तो अभी मौसम लगभग ठीक हो गया है, उतना तो नहीं ठीक हुआ है लेकिन अच्छा लग रहा है। देख पल भर में मौसम चेंज होते रहता है यहाँ पर, आइए आप लोग भी एंजॉय कीजिए और देखिए इस तरह कितना अच्छा नजारा है यहाँ पर, इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं कि आइए घूमने के लिए, वेलकम है, जरूर आइए। अभी हम घूमने के लिए आए हैं और वॉकिंग वॉकिंग करके अभी चलेंगे, तैयार वार हो के देखिए कौन सा ड्यूटी लगी है, तो आप लोग पक्का आइए यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। ये देखिए छोटा सा जंगल का किस तरह से झाड़ी है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आप लोग के हम जगह जगह घुमाते रहेंगे, आप लोग पक्का आइएगा घूमने के लिए। चलो अभी रखता हूँ, ओके बाय। काफी अच्छा लगेगा, ठीक है पक्का आइए दोस्तों। इस तरह से ह्यूज नजर आ रहा है, इधर मैं हूँ, जो पीछे
पीछे का दृश्य दिखा रहा हूँ, पकाइए और कोशिश करिए यहाँ आने के लिए, ठीक है। ज्यादा बातें नहीं करते हुए सो दोस्तों, अभी रात के ना अभी 11:30 बज रहे हैं और हमारी 11 बजे लाइव खत्म हुई। थोड़ा सा ऐसी होल्ड किए और आज इतनी ज़्यादा टेंशन लग रही है आजकल ना कि क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है और माइंडली टेंशन भी लग रही है, तो क्या ही बोले, बिल्कुल मतलब अच्छी नहीं लग रही है। अब जैसे ब्लॉग इंसान खूब करता है भाई, करता है तो किसी न किसी रीजन से कुछ एकदम आजकल टेंशन बहुत बना ही रह रहा है, क्या ही बोले। तो सो दोस्तों यही है और आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर भी है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटे को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्या ही बोले दोस्तों, बाहर जाने के लिए नहीं जा पा रहे हैं और बहुत मतलब कुछ न कुछ ऐसा हो जा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए दिल से सॉरी दोस्तों, आप समझिए ठीक है। ऐसे कुछ रीज़न हो जाते हैं कि